फिल्म काली के पोस्टर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं बता दें कि फिल्म के पोस्टर में हिंदू धर्म की पूजनीय देवी महाकाली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। देवी के हाथ में सिगरेट को देखकर हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। देश में लगातार फिल्म के निर्माता की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। तो वहीं फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाइन के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज की जा चुकी है। अब फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद पर दिए जा रहे अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर माँ काली की तस्वीर को पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, शिमला में एक बहुत प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है, काली बाड़ी। बचपन में मैं कई बार जाता था बूंदी के प्रसाद और मीठे चरणामृत के लिए। मंदिर में के बाहर एक साधु यानी फकीर टाइप के बार बार दोहराते थे, जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। आजकल उस साधु और मंदिर की बहुत याद आ रही है। हालांकि इस पोस्टर विवाद पर उन्होंने बेहद ही दुख जताया है। खैर इसी बीच पोस्टर के समर्थन को लेकर भी उतरे हैं। जी हाँ, साउथ फिल्म के दिग्गज अभिनेता और राजनेता प्रकाश राज ने महुआ मोहित्रा के समर्थन में खुलकर बातचीत की है। एक्टर प्रकाश राज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि रॉकस्टार महुआ मोहित्रा, मेरा समर्थन आपके साथ है। ऐसे में जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी की बकवास से पक गए हैं वो आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। प्रकाश राज के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। साथ ही उनके इसके बयान के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध तो तंज भी कसा है। तो वहीं इसका विरोध करते हुए ममता बनर्जी का भी क्रोध देखने को मिला है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को इशारों में नसीहत देते हुए कहा कि लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी है। हालांकि बयान के दौरान महुआ ने नाम नहीं लिया था उनका, लेकिन उन्होंने जमकर निशाना साधा। बाकी क्या कहेंगे आप पोस्टर विवाद को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।